नमस्कार दोस्तों, आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गोबरूला नाम का कीड़ा होता है जो गांव में अक्सर देखा जाता है। अगर उसको आपने ऑब्जर्व किया है तो उसका अंत तक निष्कर्ष दिखेगा, और नहीं किया है तो एक बार फिर से देखने की कोशिश करिएगा। गोबरूले को गोबर की स्मेल बहुत पसंद आती है, इसीलिए सुबह उठते ही वो गोबर की तलाश में निकल पड़ता है, और जहाँ जहाँ से उसे गोबर मिलता है उसे इकट्ठा करता है, और सारे गोबर को इकट्ठा करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। जब वो वापस आता है तो ढेर सारा गोबर उसके पास इकट्ठा हो चुका होता है, एक बड़ा सा पिंड बन चुका होता है, एक गोली की नुमा एक बड़ा सा पिंड उसके साथ में होता है। जब वो अपने घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो पाता है कि वो पिंड इतना बड़ा है कि उस घर में वो उसको लेकर के प्रवेश नहीं कर पाता। हल्दो की वो प्रयास करता है किंतु फेल हो जाता है, और अंत में थक हार के उस गोबर के पिंड को वहीं छोड़ करके वो अपने घर में खाली हाथ प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, इस गोबरौले की कहानी हमारे जीवन की कहानी से भी जुड़ी हुई है, हमारे जीवन के लिए भी इसमें संदेश है। अब इसको आप कैसे लेते हैं ये आप पर निर्भर करता है, मैं आप पर छोड़ता हूँ। हम सबको इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी अपने जीवन में इसी प्रकार का संचय तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसे किसी पदार्थ का संचय तो नहीं कर रहे जो अंत में हमको छोड़ के ही जाना है। शुभ रात्रि, नमस्कार।